लड़के कौन है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज का ये वाला गेम प्ले आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो। भाई साहब अरबी यूट्यूबर जाते हैं हमारे दाबी में, लेकिन उससे पहले ये चार बंदे मेरे पे पुश करने वाले हैं एंड मेरा दिल होता है थोड़ी स्नाइपिंग स्निपिंग की जाए। मैं दोबारा से स्नाइपर शॉट लेने की ट्राई करता हूं, लेकिन ये बंदा मुझे 40 HP कर देता है। जल्दी से किट लगा लेता हूँ एंड साथ इनका एक बंदा सीधा पुश करा देता है। भाई साहब ये बंदा कब से फाइट को एंजॉय कर रहा होता है एंड ठीक टाइम पे मुझे मार देता है। अफसोस मुझे इस बात का होता है कि यार ये इनकी टीम का सबसे वीक टीममेट होता है। मतलब यार इसकी केडी देखो एंड बाकी लोगों की केडीज वगैरह देखो, अच्छे प्लेयर्स मैंने सारे नॉक कर दिए थे। खैर इसको मैं क्या बोलूँ, आज का मेरा दिन ही खराब जा रहा होता है। सामने मुझे एक बंदे का फुटस्टेप आता है। ये वाला बंदा इनका काफ़ी अच्छा केयर होता है, बिल्कुल भी फ्री फायर में नहीं आ रहा होता है। यहाँ पे मैं बैंडेज वगैरह मारता हूँ एंड इतने में मुझे लेफ्ट से फुटस्टेप आता है। ₹80% था कि यार मैं ही मरूंगा क्योंकि मेरी बिल्कुल 1 HP थी एंड ये बंदा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेल रहा था। लेकिन यार काफ़ी लोगों को पता होगा मैं छोटी पीक पे मतलब काफ़ी दफ़ा बंदों को मार देता हूँ 1 HP पे भी, एंड इधर भी मैंने वही करना था। लेकिन मसला तब होता है जब जोश्ती की मेरे हाथ में नहीं आती। खैर जब दिन खराब चाह रहा हो तो बंदा बहाने तो लगा ही सकता है। आते हैं हमारी नेक्स्ट फाइट के ऊपर एंड ये वाली फाइट हमारी अरबी यूट्यूबर स्क्वाड के साथ होने वाली है। भाई साहब रश करने का तरीका चेक करो, स्टाइल चेक करो। इतने में मेरा एक टीममेट जीशुल को नॉक करता है एंड जीशुल अपनी टीम से थोड़ा अलहदा होता है। यहाँ पे ये फिनिश हो जाता है। इस बात का इसके टीममेट्स को काफी ज्यादा गुस्सा चढ़ता है। ये सीधा मेरे टीममेट पे जाते हैं, उसे नॉक करने के बाद फिस्ट कराते हैं। मैं स्क्वाड हाउस में आता हूँ, मेरे पास कोई गाड़ी वगैरह नहीं होती, मैं इनको टैप फायर देता हूँ एंड अब ये बंदे फुल क्रिस्टाइल मेरे पे भी रश करने वाले हैं। भाई साहब ये बंदा यहाँ पे 10 HP सर्वाइव कर जाता है एंड ये उसी के टीममेट्स होते हैं। आप लोग नाम वगैरह चेक कर सकते हो। एंड यहाँ पे यार मैं केडीज वगैरह इसलिए एनिमीज की दिखाता हूँ ना क्योंकि काफी लोग कहते हैं पता नहीं गोल्ड लॉबी में क्रेचेस करके अपलोड करते रहते हो, ऐसा कोई सीन नहीं है। कह रहे थे हमारे आज के पहले 1v4 के ऊपर, मतलब यार अभी तक जो आपने क्लिप्स देखे हैं किसी में भी 1v4 कम्प्लीट नहीं हुआ, बट ये वाला होगा। सामने मेरे पूरी की पूरी टीम होती है, मैं नेट करने की ट्राई करता हूँ। वैसे तो यार मैं फिनिश नहीं करता, बट इस बंदे को मैं इसलिए फिनिश करता हूँ ताकि इसके टीममेट्स अब सीधा मेरे पे रश करें। एंड अब ऐसा ही सीन होता है, तीन बंदे एक साथ पुश कर रहे हैं, मैं एक नेट करने की ट्राई करूँगा।
आइए गाइस, इसी के साथ हमारा आज का पहला 1v4 होता है कंप्लीट। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो एंड अगर चैनल पे पहली दफा आए तो सब्सक्राइब भी कर दो। एंड आपका भाई जिस भी अरबी को मारने वाला है ना, आज उसको पहले ट्रोल करेगा एंड उसके बाद उसको फिस्ट करेगा। अब ये ना कहना कि यार इनको फिस्ट क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये अरबी है ना गाइस, जो ये जब भी एक पाकिस्तानी का नाम देखते है ना, ये पक्का उसको फिस्ट करते हैं। खैर आते हैं हमारी नेक्स्ट फाइट के ऊपर। यहाँ पे फाइव स्टार स्कूल में फाइट ले रहा होता है एंड इतने में से अपार्टमेंट से नॉक पड़ जाता है। मैं गाड़ी लेके आता हूँ एंड इसको यहाँ पे रिवाइव कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको रिवाइव करता हूँ ना, एक बंदा इनका क्लोजिंग कर देता है एंड अब ये बंदा अकेला है एंड हम दो हैं। पहले तो यार इस बंदे को निपटाते हैं। जा जा पीछे जा। अब इस बंदे को नॉक करने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि यार सीधा स्कूल वालों पे रश कर देते हैं एंड ओपन में रश कर देते हैं। यहाँ पे पालिन हील करते हैं एंड साथ ही हम लोग पुश कर देते हैं। इससे ज़्यादा मज़े का सीन तब होता है जब स्कूल में एक नहीं बल्कि दो दो स्क्वाड होते हैं। अब इधर मैं एक नेड करूंगा एंड जिस तरह हम फाइट ले रहे हैं बंदे सीढ़ियों पे ही होने चाहिए। पालन को भी यही लगता है कि यार बंदे सीढ़ियों पे है, बट जैसे ही वो वहाँ से इंटर करता है ना, उधर पूरे का पूरा स्क्वाड बैठा हुआ होता है। ये स्क्वाड यहाँ में मेरे नेड से ऑल डेड हो जाता है एंड अब ये बाकी तीन बंदे होते हैं एंड अब ये तीन बंदे मेरे पे एक साथ पुश करने वाले हैं। आई ये गाइस, मतलब यार कब से फाइट चल रही थी, ये बंदे नीचे कमरे में कैंप कर रहे थे एंड ऊपर एक लैदा स्क्वाड था। शायद इन्होंने टीम अप किया था, बट जो भी किया हुआ था पड़ेगा तो इनको पै नहीं। आते हैं हमारी नेक्स्ट फाइट के ऊपर एंड इधर यार मैं पुचंकी में बड़े आराम से लूट कर रहा होता हूँ कि मुझे फुटस्टेप आते हैं। देखो यार मैंने सर्बी को फायर दे के अपनी लोकेशन दे दिया है एंड अब इसको पता है कि इस घर में एक ही बंदा है। ये अपने एक टीममेट लेके आता है एंड मेरे पे पुश करने वाला है। आइए गाइस, तीन बंदे कर दिए इनके नॉक, वो भी बगैर डैमेज खाए एंड लास्ट वाला बंदा इनका यहाँ पे नहीं होता। मेरा दिल होता है कि यार 1v4 करूँ, मैं ऑलवे माइक करता हूँ एंड इनको बोलता हूँ कि यार अपने लास्ट टीममेट को बुलाओ एंड रिवाइव ले लो एंड सीन चेक करो। इनका लास्ट बंदा गाड़ी लेके आता तो है लेकिन इधर एक और टीम आ जाती है एंड वो उसको मार देते हैं। खैर अब सामने पूरी टीम आ गया तो चलो यार उन पे 1v4 कर लेते हैं। दुनिया में कुछ लोग ना अपनी मस्ती में होते हैं। इधर मैंने टैप फायर भी दिया एंड बोर्ड भी मारा, फिर भी ये बंदा ओपन में आ रहा है। इस बंदे को जैसे ही मैं नॉक करता हूँ, इसका एक टीममेट इसको रिवाइव देने जा रहा है, तो मैं डिसाइड करता हूँ कि यार चलो सीधा रश ही करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। आइए गाइस, फिर से अरबी लग चुके हैं मेरे हाथ, इनको मैं दोबारा से ट्रोल करता हूँ। अब ये दो ही बंदे होते हैं, मैं कहता हूँ यार ये भी 1v4 ना हुआ तो क्या हुआ। मैं इनको बोलता हूँ कि यार अपने टीममेट को बुलाओ एंड रिवाइव ले लो एंड इनके टीममेट सही टाइम पे आ भी जाते हैं। ये अरबी तो आल भी मेरी मिनते कर रहा था कि यार प्लीज रिवाइव होने दो, लेकिन ऐसे कैसे बाबा जी। Please, my friend. قلت لك نزل لك يا قلت لك نزل لك. اوعى لو بدك تجيب ولا حد ما في غيره. आइए गाइस, इसी के साथ हमारा 1v4 होता है कंप्लीट। ये लोग ऑल डेड इसलिए नहीं होते क्योंकि इनका कोई टीममेट रिकॉल के ऊपर जाके रिकॉल लेके भागा हुआ होता है। इधर मैं इनको लगे तो फिनिश भी करा देता हूँ। खैर ये जो प्लेन वाला बंदा आप लोग देख रहे हो ना भाई साहब, आपका भाई करने वाला है 1v4, वो भी पबजी मोबाइल डोमिनेटर के ऊपर, बट वो होगा इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली दफा आए तो प्लीज सब्सक्राइब भी करते जाना। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।